एबीपी लाइव पर इलेक्शन के खास कवरेज को लेकर के आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की, जो कि बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल का दौरा कर रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा चुके हैं, कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि अपने एक वरिष्ठ महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर बना के वहाँ भेजा हुआ है। बीजेपी भली भांति जानती है कि ये चुनौती बड़ी इस बार गंभीर है उनके लिए। 18-19 साल का फटीग है और एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी जूझ रही है और शायद यही वजह है कि अभी तक आप देखें, लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बीजेपी ने बड़े ही कैलकुलेटिव अंदाज में, बहुत चतुराई के साथ अभी तक शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश जैसे क्रूशियल स्टेट में बीजेपी फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था और खुद पार्टी की महासचिव, गांधी परिवार की प्रोमिनेंट मेंबर प्रियंका गांधी ने अपने कैंपेन की शुरुआत मां नर्मदा के तट से शुरू करी थी, जबलपुर से। और उसके बाद से ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि जितने भी इंटरनल सर्वेज उन्होंने कराए हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे है। इस बात का कहीं ना कहीं चुनौती का एहसास बीजेपी को ज़रूर होगा कि उसके बाद हमने लगातार देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे तमाम नई नीतियों को अनाउंस कर रहे थे, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, स्कूल जाती हुई बच्चियों को लेकर के हो, और उन्होंने अपनी तरफ से नई नई पॉलिसीज़ का ऐलान करके किसी तरह से खोए हुए ग्राउंड को कवर करने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद सभी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में आंतरिक पॉलिटिकल गुटबाजी बहुत है। हमने खुल करके देखा कि अभी कुछ दिनों पहले कैसे उमा भारती ने एक अलग लाइन लेते हुए महिला आरक्षण बिल पर जो मांग ऑपोजिशन मुख्यतः संसद के अंदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, कोटा विद इन कोटा का, उन्होंने भी ओबीसी को कोटा देने की मांग की। उससे कुछ दिनों पहले वो इस बात पर नाराज हो गई थी कि उन्हें मध्य प्रदेश में चलाई जा रही यात्रा में नहीं बुलाया गया था। और हम सब जानते हैं कि बड़ी राइवलरी है तमाम बड़े नेताओं को लेकर के। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पॉलिटिकल भविष्य भी एक तरह से कुछ हद तक इसमें स्टेक पर ज़रूर है। पिछली दफ़ा उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तोहफे में दे दी थी भारतीय जनता पार्टी को। उनका कद बहुत बड़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी में देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उनका कितना इम्पैक्ट होता है, इससे आगे उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में ज़रूर उस पर निर्भर करेगा, तो उस पर भी सभी की पैनी नज़र होगी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में गुटबाजी कम नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टालवर्ट्स, और यही एक मुझे लगता है कि बड़ी समस्या है कांग्रेस की, जिसकी वजह से ऐसा जानकार कहते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस को फ़ायदा इस बार दिख भी रहा है तो ये इंश्योर करना होगा कि सभी लोग चुनाव मिल करके लड़ें, वरना आंतरिक खेमेबाजी में ही कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस चुनाव, जीता हुआ चुनाव कहीं भारतीय जनता पार्टी को दे बैठे, जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। पहले कहा जा रहा था कि गैप बहुत बड़ा है और अब कहा जा रहा है कि बड़ा कांटे की टक्कर होने वाली है। हाउएवर असेसमेंट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पर। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो रोज पहले ये क्लेम भी किया एक कार्यक्रम में कि हम मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं, राजस्थान में भी हम करीबी हैं। हर नेता इस तरह का क्लेम करता है और शायद यही वजह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव हम जीतेंगे। इससे पहले होम मिनिस्टर ने भी ये क्लेम किया था कि मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी जीतेगी। अब देखिए, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ पर पॉइंट स्कोर करने और कांग्रेस से आगे निकलने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अब बहुत समय बाद हमने ये स्ट्रैटेजी देखी बीजेपी की कि मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची काफ़ी पहले बीजेपी ने जारी कर दी और अब ये बताया जा रहा है कि दूसरी सूची भी उनकी तैयार है और बहुत जल्द उस दूसरी सूची को भी जारी किया जा सकता है। इस बीच 2-3 दफ़ा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी की है और हमें जो सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक कैंडिडेट्स के नाम पर, तकरीबन 100 कैंडिडेट्स के नाम पर सहमति बनी, जो कि संभव है सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक निकाली जा सकती है। तो इस एक मुद्दे की अगर हम बात करें कैंडिडेट्स के उम्मीदवार चयन की, तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि कदम पहले उठाने होंगे क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। 18-19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा कि विधायकों को लेकर के क्या नाराज़गी है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, कितने चेहरे बदले जाएं। और शायद यही वजह है कि सारा मंथन करने के बाद एक सूची पहले जारी हो गई, अगली सूची जल्द आ सकती है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि कांग्रेस सोच समझ करके कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना चाहती है और जो बड़े स्तंभ हैं पार्टी के, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों या कमलनाथ, जो कि पिटेड हैं एज नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अगर कांग्रेस जीतती है,
तो दिख रहा है, मूलतः ऐसा लगता है देख करके कि दोनों लोग सेम पेज पर हैं और मिल करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश चुनाव वो जीत सकती है। अब आगे क्या माहौल बनता है ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री आज भोपाल में है और निश्चित तौर पर उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी होगी। और इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री जब किसी भी स्टेट में जा करके वहाँ का असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ का माहौल ही कुछ और हो जाता है। वहाँ के इश्यूज़ को जब वो टच करते हैं, फ्रीबीज तो दोनों ही दल दे रहे हैं, सभी को पता है कि क्या अनाउंसमेंट कांग्रेस ने की है, क्या क्या अनाउंसमेंट बीजेपी कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा ऐसा है जिसको लेकर के कांग्रेस हो चाहे अपोजिशन की दूसरी पार्टियाँ जो भी वहाँ पर इलेक्टोरल फोरे में हैं, उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो चुनौती कोई आसान नहीं रहेगी। और तब ऐसे में अगर मोदी पूरी तरह से चुनाव में उतर जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल जाएगा, इसका इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, कर्नाटक और हिमाचल कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड कांग्रेस हार गई थी। मध्य प्रदेश एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है और वहाँ जनरली उस तरह के मुद्दे जो हम हिंदी हार्टलैंड में देखते हैं वो काफ़ी बार काम कर जाते हैं। प्रधानमंत्री को उसमें महारत हासिल है, इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन बड़े बड़े नेताओं का क्लैश ऑफ टाइटन्स का इस बार क्या नतीजा निकलता है। कांटे की टक्कर होने वाली और देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।